तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में चुनाव में लगे हरियाणा के प्रवासी कार्यकर्ताओं के संग बैठक भी इस दौरान की है। और साथ ही जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार, करणदेव कंबोज समेत कई विधायक और पार्टी के नेता मौजूद रहे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रवासी कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने दिल्ली चुनाव पर फीडबैक लिया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली चुनाव पर फीडबैक लिया गया सीएम मनोहर लाल की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी में। आपको बता दें, यहाँ पर तमाम जो पूर्व मंत्री थे, विधायक नेता थे, वो सभी शामिल रहे और इस दौरान सभी ने अपना दिल्ली चुनाव को लेकर जो प्रवासी नेता यहाँ पर पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए, इन सभी से फीडबैक लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो आखिरी दिन है आज दिल्ली चुनाव पर और ऐसे में लगातार आज धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है सुभाष बराला वो भी इस दौरान मौजूद रहे, साथ ही पूर्व मंत्री ओपी धनखड़, कृष्णलाल पवार भी यहाँ पर मौजूद रहे। और आखिरी दिन है, आखिरी दिन फीडबैक लिया गया। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, तो क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, सबसे पहले ये आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के उन हरियाणा के नेताओं को आज ब्रेकफास्ट पर बुलाया जिनकी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले से ड्यूटियाँ लगी थी। 34 वो नेता थे जिनको प्रवासी नेता कहा जाता है, प्रवासी कार्यकर्ता जिनको कहा गया है। उन 34 नेताओं को मुख्यमंत्री की तरफ से ब्रेकफास्ट की टेबल पर बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने ब्रेकफास्ट उन नेताओं के साथ किया, फिर सभी के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष है सुभाष बराला, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार, पूर्व मंत्री कंबोज समेत कई विधायक थे, कई पार्टी के पदाधिकारी थे जो लगातार दिल्ली चुनाव में डटे हुए। इन सभी नेताओं से मुख्यमंत्री ने यही फीडबैक लिया कि आखिरकार बीजेपी की फिलहाल दिल्ली में क्या स्थिति है, क्योंकि जो दिल्ली में जो ज़्यादातर चुनाव प्रचार है, जो बाहरी राज्यों की अगर टीमों की अगर बात करें, तो बीजेपी की दूसरे राज्यों की टीमें, सबसे ज़्यादा टीमें हरियाणा की दिल्ली में काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से पूरा का पूरा फीडबैक लिया है, जिन जिन विधानसभा सीटों पर हरियाणा के नेताओं की ड्यूटियाँ लगी है, जिन जिन विधानसभा सीटों पर खुद मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने गए, उन उन विधानसभा सीटों पर फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि चुनाव प्रचार आज शाम को खत्म हो जाएगा और अब दिल्ली की जनता को फैसला करना है और बीजेपी का दावा है। अनिल मोर, और इस बीच जो प्रवासी नेता है उनकी ओर से क्या कुछ फीडबैक दिया गया, क्या इसकी जानकारी भी आपको मिल पाई है? देखिए, हरियाणा बीजेपी के जो ज़्यादातर कार्यकर्ता थे, जो ज़्यादातर टीमें थी, उनकी 17 विधानसभा सीटों पर ड्यूटियाँ लगाई गई थी। तो 17 विधानसभा सीटें थी, वो सारी ज़्यादातर सीटें बाहरी दिल्ली की विधानसभा सीटें पड़ती है, क्योंकि बाहरी दिल्ली का जो एक मतदाता है, उसके मतदाता का मूड थोड़ा थोड़ा हरियाणा के मतदाता से मिलता जुलता है, जातिगत समीकरण हरियाणा से मिलते जुलते हैं। तो सुनाते हरियाणा के ज़्यादातर कार्यकर्ताओं की चुनावी ड्यूटियाँ उन जगहों पर लगाई गई थी। हालाँकि जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम थे, इन 17 विधानसभा सीटों से अलग कार्यक्रम थे, मुख्यमंत्री ने भी एक दर्जन से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने पूरा का पूरा फीडबैक लिया और जो पार्टी के नेता थे, जो जिन नेताओं की चुनाव में ड्यूटियाँ लगी हुई है, उन नेताओं की तरफ से पूरा का पूरा फीडबैक मुख्यमंत्री को सौंपा गया है, क्योंकि चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा। आज चुनाव प्रचार के बाद सारे के सारे जो नेता हरियाणा के दिल्ली चुनाव में प्रचार कर रहे थे, वो अपने अपने ग्रह जिलों में, ग्रह विधानसभा क्षेत्रों में चले जाएंगे और आज का चुनाव प्रचार है। हालांकि जो इस बैठक के बाद जो ओम प्रकाश धनखड़ पूर्व मंत्री, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि जो ये लड़ाई है, जो चुनाव है, विकास और विनाश का चुनाव है। बीजेपी है, बीजेपी विकास की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल विनाश की बात करते हैं। जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये इन दावों में कतई बिल्कुल। और आज आखिरी दिन है प्रचार का और लगातार तमाम पार्टियों के नेता यही दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। लेकिन अनिल, जो आखिरी दिन होता है, कई मायनों में बाकी प्रचार के दिनों से आखिरी दिन जो प्रचार का रहता है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में बीजेपी जो कि अपनी मजबूत रणनीति के लिए जानी जाती है, उसकी क्या आज आखिरी दिन की रणनीति रहने वाली है? देखिए दीपिका, कोई भी चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और जब वोटिंग होती है, वोटिंग से पहले के जो 48 घंटे होते हैं, जो पहले के 2 दिन होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण
सकते हैं। इन दो दिनों के बारे में अमूमन राजनीतिक पंडित यही कहते हैं कि कई चुनावों की जो एक जो समीकरण है इन दो दिनों में ही बदलते हैं। हालांकि जो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं वो अपना पूरा जोर लगाएंगी। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम नेताओं की तरफ से आज रोड शो किए जा रहे हैं और आखिरी चरण में कोई भी नेता किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, 5 बजे के बाद किसी तरह की कोई जनसभा को संबोधित नहीं किया जा सकता, किसी तरह से रोड शो नहीं किए जा सकते, जो लाउड स्पीकर है वो बंद हो जाएंगे, 5 के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो ऐसे में जो अब ये 2 दिन महत्वपूर्ण होने वाले हैं, काफ़ी अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा जो बुनियादी सुविधा लोगों को मुहैया करवाई है, बिजली पानी जो फ्री की है, महिलाओं के लिए जो काम किए, इन कामों के नाम पर वो दिल्ली के सत्ता में एक बार फिर वो रिपीट करेंगे अपने आप को। वो अरविंद केजरीवाल दावे करते हैं, बीजेपी दावे करती है कि हम राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया उन कामों के आधार पर हम दिल्ली की सत्ता में वापसी करेंगे। जी शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। और आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा, दिल्ली विधानसभा चुनावों में जो हरियाणा की भूमिका है सबसे महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है। दिल्ली का जो बाहरी इलाका है जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है, हरियाणा के नेताओं का वहां पर काफी बोलबाला देखा जा सकता है पिछले कई समय से, और इसी के लिए यहां पर प्रचार लगातार किया जा रहा है। बीजेपी ने अपने जो नेता हैं उनकी ड्यूटियां कई विधानसभा क्षेत्रों में लगाई गई थी, लेकिन आज आखिरी दिन में आज एड़ी चोटी का जोर हर पार्टी लगाती दिखाई देगी।